आपको जगह जगह पर वो रखी हुई होती है, केन कूलर रखे होते हैं जमजम शरीफ के। अब पुरानी किताबों में क्या लिखा है कि नमाज के बाद जमजम के कुएं पर आए तो लोग कुआं ढूंढते रहते हैं, अब वहां कोई कुआं नजर नहीं आता। 2004 में उसको, बल्कि 2003 में उसको बंद कर दिया गया, यानी अब वो नीचे आप नहीं जा सकते। 3 से पहले लोग नीचे जा सकते थे, कुएं तक जाते थे, पानी पीते थे, अब नहीं जा सकते। जगह जगह केन रखे होते हैं और नल लगे होते हैं, तो आप वहां पर जाएं और पानी लें और खड़े होकर 3 सांस में जमजम शरीफ पिए। जमजम शरीफ को देखने से नजर तेज होती है, और इसका एक तरीका एक बता दूं बहुत प्यारा हदीसे, यानी कि जब जमजम पिए तो उस वक्त तो उसमें देखें, और देखने के बाद कहें अल्लाह मुझे हदीस पहुंची कि जमजम पीते वक्त तो जो भी दुआ की जाती है वो कबूल होती है, फिर दुआ करें। बुजुर्गों ने फरमाया फौरन कबूल होगी, जमजम पिए फिर पेट भर के पिए। हदीस पाक में आता है मोमिन की निशानी यह है कि मोमिन पेट भर के जमजम पीता है, और मुनाफिक की निशानी यह है कि मुनाफिक थोड़ा सा पीता है, पेट भर के पिए। लेकिन सही का ख्याल रखें, क्योंकि एसी भी चल रहा होता है और बहुत ज्यादा पीने से कहीं आप आजमाइश का शिकार ना हो जाएं। वो एक बार इस्तिंजा लगी तो इस्तिंजा करके जाके आने में आपका एक घंटा चला जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन बहरहाल हर आदमी को अपनी कैपेसिटी ज्यादा पता है कि वो उसको कितना पानी वो पी सकता है। तो बहरहाल पेट भर के जमजम पिए, और जमजम पीने के बाद जमीन पे ना गिरे ऐसे 3 चुल्लू लेके सर पे डाले। बुजुर्गों ने फरमाया जो जमजम के 3 चुल्लू लेके सर पे डालेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी जलील होने से बचाएगा और आखिरत में भी जलील होने से बचाएगा। बड़ी बड़ी बरकत पीछे। तो फिर उसके बाद जमजम पी लिया, अब जमजम पीने के बाद फिर आए अजर अस्वद की सीध में और फिर इस्तेलाम करें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर।